What's up guys, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को कल का कॉन्सेप्ट और कल का जो स्क्रिप्ट था बहुत अच्छा लगा है ना। आप लोगों ने बहुत कुछ सजेशंस दिए हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने सोच के बनाया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये अप्रोच। एंड आप लोगों ने कहा है कि ऐसे वीडियोज आगे और आने चाहिए, तो येस ऑफकोर्स आपको आगे आने वाले समय में ऐसे प्लेज और ऐसे स्क्रिप्ट और भी ज़्यादा मिलेंगे। एनालिसिस वीडियोज को ऐसे तरीके के बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो और मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को एनालिसिस वीडियो या फिर अपडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पास ऑन कर सकूँ। तो जितना ज़्यादा मेरे से हो सकेगा मैं ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए ऐसे टाइप के वीडियोस बनाते रहूंगा। आज के वीडियो का टॉपिक ना थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी दो तीन दिन हो गए एक्चुअली डेड सोल ने अपने चैनल पे एक अनाउंसमेंट डाला कि वो अपने ई-स्पोर्ट्स करियर से, जो एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर थे, फोर अननोन से वो खेल चुके, इतने सारे टाइटल्स अपनी टीम को जिता चुके हैं, और जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बाद अभी उनके तरफ से आया है कि वो संन्यास ले रहे हैं, वो अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे एज एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर। अब वो अपने आप को तब्दील कर रहे हैं इनटू अ कोच। तो अब जस्ट आई थिंक एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते पहले ही वो ओजी रीड के साथ खेल रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा बचड़ मच गया था कम्युनिटी में अगेन कि लोग कह रहे थे कि डेड सोल शायद आपको ओजी रीड में खेलते हुए देखेंगे एंड एज एन आईजल, क्योंकि आइकॉनिक एंड आपके किलर जो है 2-साइडेड गेमर के साथ खेल रहे हैं तो उनके पास आईजल की कमी है। एंड ऑफकोर्स किलर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक क्लियरेंस दिया भी था कि लेट्स ट्राई सम न्यू प्लेयर्स, ताकि नए प्लेयर्स आते हमारे दोनों टीम में, जो दो दो प्लेयर्स अलग अलग डिफरेंट टीम्स में खेल रहे हैं उनमें थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आए, उनमें थोड़ा और ज्यादा ट्राई करने में क्या हर्जी है, वो वाला सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ। अब डेड सोल आने के बाद से आप लोगों ने ये जरूर से देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कैमेन ई-स्पोर्ट्स के साथ जो कालाहारी का उनका ड्रॉप स्पॉट है, नहीं समझ आ रहा ना, मैं आप लोगों को चेंज करके बताता हूँ। अब देखो, हम सबको पता है कि कैमेन का जो ड्रॉप स्पॉट है कालाहारी में, इट इज रिफाइनरी। अब क्योंकि डेड सोल कुछ दिनों से अपने ओरांगोटैंग के साथ खेल रहे थे एंड आपको देखने को मिल रहा है कि सडनली ओरांगोटैंग का ड्रॉप स्पॉट वो काउंसिल हॉल छोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं। आइकॉनिक जहाँ पे खेल रहे हैं, आइकॉनिक अपने 2-साइड गेमर्स की टीम को लेके जा रहे हैं काउंसिल हॉल में। तो ये जो तबादला हुआ है इसके पीछे का रीजन भी है, और कैमेन ई-स्पोर्ट्स हमेशा से रिफाइनरी में जाते हैं, और रिफाइनरी में क्यों जाते थे और कहाँ पे शुरू हुआ है जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ। डेड सोल पहले 4 अननोन के साथ वहीं पर सारे कैमेन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स खेलते थे एक्सेप्ट फॉर राधे ठाकुर का उस टाइम पर बैन पीरियड चल रहा था, तो वो उस टाइम पर हिस्सा नहीं थे कैमेन का या फिर 4 अननोन का एक्चुअली। तो तब जो स्ट्रैटेजी था मेन रिफाइनरी का वो डेड सोल के द्वारा ही आप कह सकते हो कि वहीं पे जो कैप्चर करने का, वहीं से जो गेम बनाने का जो स्टाइल था वो डेड सोल का ही था, या फिर वो स्ट्रैटेजी रिफाइनरी पे ड्रॉप स्पॉट जो बनाया गया था वो डेड सोल का ही था। अब क्योंकि वो और ओजी लीड के प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे कुछ दिनों से, तो वहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि डेड सोल के पास वो दिमाग है कि वो ऑफकोर्स उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। बट कैमेन ई-स्पोर्ट्स अभी एक नॉच ऊपर जा चुके हैं क्योंकि वो इतने सारे टूर्नामेंट्स में वहाँ पे ड्रॉप कर चुके हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस, उनके पास सारे एंगल्स पता है। तो अब क्या ओरांगोटैंग एलीट के प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करने को हो रहा है कि वो नहीं जीत पा रहे फाइट, वहाँ पे बार बार हार जा रहे हैं। बट ऑफकोर्स हमें पता है कि आप एक ना एक दिन तो जीतोगे ही, एंड करंटली ये वॉर ऑफ ग्लोरी का टूर्नामेंट चल रहा था, कल 2-साइडेड गेमर्स ने जीत हासिल किया है। अब क्योंकि डेड सोल ने कल या परसों, दो दिन पहले आई थिंक उन्होंने जो वीडियो बनाया था जहां पर उन्होंने बोला कि मैं एज अ कोच कंटिन्यू करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ओजी एलीट के पीछे जो दिमाग चल रहा है इट कैन बी डेड सोल। तो अभी तक ऑफिशियल हुआ नहीं है, मैं भी एज अ एज एन एनालिस्ट में ये सोच रहा, क्योंकि ये हर बार हो रहा है रिफाइनरी में, हर बार कालाहारी में ये हो रहा है कैमेन वर्सेस आपका ओजी एलीट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब देखिए जॉन्टी भाई भी इंसेनिटी में, जॉन्टी भाई भी मेंटरशिप नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालिस्ट भी नहीं है वो अपने ओजी एलीट के टीम के लिए। तो ऑफकोर्स डेड सोल मेरे दिमाग में आ रहा है क्योंकि अभी भी वही चीज़ चल रहा है, रोहित भी है, बहुत सारे कुछ चल रहा है। अब देखो ये सब मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ, अंटिल अनलेस ये कंफर्म्ड न्यूज़ है तब तक तो पता लगता है, पता नहीं कर सकते। अब देखते हैं, बट देखो डेड सोल के आने से हमें पता है कि ऐसा कोच ज्वाइन करने से ओजी में बहुत स्ट्रांग हो सकती है ये टीम, हमें पता है कि वो प्लेयर के पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कितना ज़्यादा वो खुद वो गेम सिचुएशन में रह चुका है, मल्टीपल टाइम्स वो अपने टीम को फाइनल्स में जिता चुका है, जो खुद उसने अपने वीडियो पे दर्ज किया है। ऑफकोर्स ये अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, एंड आई थिंक अब ये फाइट देखने बहुत मजा आएगा। रुक जाओ, इसको थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा। अब ये फाइट देखने बहुत मजा आएगा जब रिफाइनरी एंड रिफाइनरी पे दोनों टीम लड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली कौन जीतेगा ये तो अभी वक्त ही बताने वाला है। बस अब तो वेट करना है, क्योंकि देखिए ओजी एलीट ऑफकोर्स आपके फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप में तो क्वालिफाई नहीं हो पाई है, अभी तक लिस्ट तो वैसे आया नहीं है, लेट्स सी लिस्ट कब तक आता है। टिल देन यार वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, इसका मेन गोल यही था, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा कि एनालिसिस वीडियो था, ये काइंड ऑफ एक अजम्पशन वीडियो था, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मैं कह सकते हूँ कि
छोटा सा पॉइंट था जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता था, जो मैं हमेशा करते हुए आता हूँ आप लोगों के साथ, मेरी YouTube फैमिली के साथ, जो भी मेरे मन में चलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ऑफकोर्स। तो रिफाइनरी में जो अभी रिसेंट टाइम में क्लैश चल रहा है, आपको आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेड सोल इसके पीछे का दिमाग है ऑफकोर्स, जो उनको हेल्प कर रहा है। एंड आपको आगे ऐसा भी हो सकता है कि ओजी इलीट आपको केमिन को डोमिनेट करते देखने को मिल सकता है, अगर केमिन ने कोई काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार नहीं किया, क्योंकि ये दो बड़े नाम है कम्युनिटी के, एंड दोनों के फैंस जरूर से चाहेंगे कि एक्शन देखना और उनकी टीम को जीतते हुए देखना। एंड दोनों अर्ली फाइट में कालाहारी में लड़ रहे हैं, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। तो दिस वॉज इट, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।